हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों के बाद मैं एक बार फिर एक वीडियो बना रही हूँ जो कि है अफोर्डेबल कॉटन कुर्ती सेट। और ये है, ये जितने भी सूट सेट्स हैं ये है 1000 रुपीज़ के अंदर ही हैं। और ये प्योर कॉटन है, इसे मैंने यूज़ किया है। और किस किस पर्पज़ से कौन कौन से सूट अच्छे हैं और कौन बस सोसो हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। ये सारे सूट्स डिफरेंट साइट्स से हैं, जैसे कि कुछ अमेज़न से भी हैं, कुछ फ्लिपकार्ट से हैं, एक तो मित्रा से भी है। तो चलिए इसके ब्रांड के साथ इसके जो क्वालिटीज़ हैं उसकी बात करते हैं। तो ये जो सबसे पहला सूट है ये है अहिका ब्रांड से, और ये मैंने परचेज़ किया था अमेज़न से। ये इसका जो फैब्रिक है ये प्योर कॉटन है, जो कि गर्मी के लिए बहुत ब्रीदेबल है। और ये बहुत प्यारा इस पर फ्लोरल प्रिंट बना हुआ है। ये एक्चुअली में ये फ्रॉक शेप में है। ये लेट मी सी यू, इसके बीच में ये इस तरह का पैटर्न बना हुआ है। ऊपर इसके बटन से डिटेलिंग की हुई है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ये जो है ये सीपियों का काम है। तो ये थोड़ा सा फ्रॉक पैटर्न में है, अनारकली पैटर्न में। ये रहा इसका फुल लुक। नेक लाइन इसकी कॉलर वाली है, थ्री फोर्थ स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी ऐसी डिटेलिंग की हुई है। इसका जो दुपट्टा है ये भी प्योर कॉटन है, इस तरह की लहरिया डिज़ाइन में। बॉर्डर पे ये दोनों तरफ के साइड्स पे ये बने हुए हैं। और ये रहा इसका ट्राउज़र, ये भी प्योर कॉटन है। कुल मिलाकर के ये एक अच्छा परचेज़ है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो भी 999 है, तो इसमें इससे ज़्यादा क्या लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था पहला सूट जो कि था अहिका से और अमेज़न से परचेज़ किया गया था। आते हैं अब दूसरे सूट की तरफ। ये जो दूसरा सूट है ये है हम लोगों का मोस्ट जो पसंद किया जाने वाला ब्रांड है लिबास, उससे। तो ये जो सूट है ये मेरे विश लिस्ट में सालों से पड़ा हुआ था, पर कभी भी मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं हो रहा था। और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 1300 to 1400 से थी, पर मुझे सेल में ये मिला था और वो भी एक्सेल में। हालांकि मेरा साइज़ स्मॉल है पर मुझे एक्सेल में लेना पड़ा क्योंकि ये आ ही नहीं रहा था स्टॉक में। और ये मुझे बहुत दिनों से बहुत पसंद आ रहा था, तो लास्टली मैंने ये इसे एक्सेल साइज़ में लिया। और इसे इसकी जो फिटिंग वगैरह मैं वो मैंने खुद से कर ली। आइए देखते हैं इस सूट को। ये देखिए कितना प्यारा सूट है ये, इसका प्रिंट वगैरह सब मुझे बहुत पसंद है। ये रही इसकी नेक की डिटेलिंग, ये 3/4 स्लीव्स, ये भी बहुत ब्रीदेबल फैब्रिक है। और कॉटन प्रिंटेड सूट मुझे वैसे भी बहुत पसंद आते हैं। लिबास का अफोर्डेबल ब्रांड में लिबास एक अच्छा ब्रांड है। और ये मुझे सेल में मिल गया था 700 to 800 के बीच ही ये मुझे अवेलेबल हुई। इसके साथ मुझे मिला है ये एक दुपट्टा, इस पर इस तरह के का प्रिंट बना हुआ है, साइड्स में इस तरह के पैटर्न बने हुए हैं जो कि सूट से मैचिंग है। और इसके साथ मिला है मुझे एक फुल घेर का प्लाजो। ये है इसके साथ का फुल घेर का प्लाजो। प्लाजो पे इस पे इलास्टिक ही लगा हुआ है, तो बहुत सारे प्लाजो के साथ इसमें अब नाड़ा भी आता है, पर इसमें नहीं है ऐसा। तो थोड़ा सा इस ये लूज होने की प्रॉब्लम हो सकती है किसी किसी को। ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, है भी बहुत प्यारा है ना।
अच्छा हाँ, ये सूट मुझे मिला था मित्रा से। अब चलते हैं ये तीसरा सूट है, ये भी 1000 रुपीस के अंदर ही है और सेल में मुझे 1000 में मिला था। हालांकि इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो 1200-1300 कुछ शो कर रहा था इस फ्लिपकार्ट पे। ये भी इसका भी ब्रांड अहिका है, ये भी प्योर कॉटन है, बहुत ब्रीदेबल है, बहुत कंफर्टेबल है गर्मियों के पर्पज से। इसके नेक पे कुछ इस तरह की डिटेलिंग की हुई है, यहाँ पे भी सेम पैटर्न में इस तरह से सीपी का वर्क किया हुआ है। ये है इसका फुल सूट, 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे एक्स्ट्रा कोई भी डिटेलिंग नहीं है। इसका भी जो दुपट्टा है वो प्योर कॉटन है, फुल लेंथ का। ये सारे दुपट्टे फुल लेंथ के हैं और विड्थ भी अच्छी खासी है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और ये रहा इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र के कमर में पीछे से ये इलास्टिक लगी हुई है, इलास्टिक बैंड जो बेल्ट होता है वो बना हुआ है और आगे से ये डोरी, ये बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये है इसका ट्राउज़र। चलते हैं चौथे सूट की तरफ। तो ये है चौथा सूट, ये जब मैंने लिया था मुझे बहुत पसंद आया था। हालांकि ये कॉटन है, रेयॉन कॉटन है, थोड़ा सा हेवी होता है और गर्मी में थोड़ी सी गर्मी लगती है, पर ये ब्रीदेबल है, ये है कॉटन ही। ये मुझे मिला था 700-800 के बीच। तो ये पूरा प्लेन है सूट, पूरा ही प्लेन है। ये बॉर्डर पे थोड़ी सी डिटेलिंग की हुई है, नेक लाइन इसका वी शेप में है और बाजुओं पर ये थोड़ी सी गोटा पट्टी की डिटेलिंग है। ट्राउज़र भी इसका प्लेन है, ट्राउज़र पे इसके कोई भी एक्स्ट्रा डिटेलिंग नहीं है, पर इसका जो दुपट्टा है ये बहुत प्यारा है। ये रहा इसका दुपट्टा, है ना बहुत प्यारा। ये प्लेन सूट के साथ ये दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा है, ये गोटा वर्क, गोटा से डिटेलिंग की हुई है इस पर, सिल्वर और कॉपर कलर का ये गोटा है। ये इसके साथ ये साइड में टेसल लगे हुए हैं, ये बहुत प्यारा लगता है ये सूट। ये भी मैंने परचेज किया था फ्लिपकार्ट से। कोई भी डे आउट के लिए ये सारे सूट बहुत अच्छे हैं, या फिर घर में इस्तेमाल करने के लिए बहुत कम्फर्टेबल है। मैं तो इसे इन सब सूट्स को वर्क वेयर पे भी इस्तेमाल करती हूँ। तो आते हैं, चलते हैं दूसरे सूट की तरफ। ये है एक और सूट, ये भी प्योर कॉटन है, इसका भी जो ब्रांड है वो अहिका है और ये परचेज किया था मैंने अमेजन से। इसकी डिटेलिंग देख लीजिए पहले आप। इसकी जो प्राइस है वो भी 999 है, प्योर कॉटन है। सूट में इसके अलावा इस पर कोई डिटेलिंग नहीं है, ये इसका पैटर्न है और ये कलर बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा है। ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टे के साइड में जो आमतौर पर डिजाइनिंग होती है थोड़ा सा पैटर्न बना हुआ होता है वो है। और ये रहा इसका ट्राउज़र, सॉरी मैं इसका लुक बुक नहीं दे सकती हूँ, पर ये आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि इसको परचेज करना कैसा है। ये प्योर कॉटन है, गारंटेड प्योर कॉटन है। ये इसके पीछे ये इलास्टिक बैंड और आगे में ये जो नारा के साथ आ रहा है आजकल ट्राउज़र, ये ट्राउज़र है। इन सब को आप परचेज कर सकते हैं बहुत आराम से बिना सोचे। चलते हैं अगले सूट की तरफ। तो ये है युक्ता ब्रांड से, जिसमें मेरा साइज है स्मॉल। मैं सारे सूट्स के मेरे साइज स्मॉल ही हैं, बस जो लिबास वाला था वो मेरा था एक्सेल में, जिसको मैंने खुद से उसकी फिटिंग सही की थी। तो इस पे जो प्रिंट है ये सिर्फ फॉइल प्रिंट है। कलर इसमें इसका स्काई ब्लू आ रहा है, पर ये स्काई ब्लू कलर है नहीं, थोड़ा सा ये सी ग्रीन पे कलर है और
बहुत प्यारा है। ये भी रेयॉन फैब्रिक पे है। इसके बाद पे ये कुछ इस तरह की डिटेलिंग है। शलवार भी इसका रेयॉन ही है और इस पर कुछ ऐसे फाइल प्रिंट किया हुआ है। और ये रहा इसका शिफॉन दुपट्टा है। इस पर भी साइड में ये गोटा की डिटेलिंग है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक यही है, ये जो पूरे में इलास्टिक अगर होता है तो ये कुछ दिनों के बाद लूज हो जाता है और इस पर कोई भी इसमें आप नारा नहीं डाल सकते। अदरवाइज ये रहा नेक्स्ट सूट जो कि है रेयॉन फैब्रिक में और इसका जो ब्रांड है वो है इंडो इरा। ये मोस्टली मैंने इस्तेमाल किया है अपने वर्क वेयर के तौर पर। सबसे पहले इसका प्लाजो दिखाते हैं। ये ब्लू कलर में है। इसका ये रहा ये इसका प्लाजो। इसके साइड पे ये गोटा पट्टी की वर्क है। ये रेयॉन फैब्रिक है। इसके दुपट्टा के बारे में बाद में बात करेंगे, इसका पहले आप सूट देख लेते हैं। सूट भी ठीक है, 700 to 800 की रेंज का है। ये भी मित्रा पे अभी भी आई थिंक अवेलेबल है। ये इसकी डिटेलिंग है, गोटा की डिटेलिंग। ये रहा इसका स्लीव और ये रहा इसका दुपट्टा। पर दुपट्टे में मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया है। दिमाग क्या लगाया है वो अभी बताते हैं। इस दुपट्टे का जो विड्थ लेंथ ठीक था, पर जो दुपट्टे का जो विड्थ था वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं था। मैं इतने कम चौड़े दुपट्टे नहीं यूज़ करती हूँ। मैंने इसको बढ़ाने के लिए किया है कि अलग से फैब्रिक लेकर के इसके साइड पे दोनों साइड पे लगाया और अलग से फिर गोटा लेस लिया। आई थिंक ये कलर मैच नहीं कर रहा है, पर उस टाइम जो अवेलेबल था मैंने इसे यूज़ कर लिया है। इस तरह से इस दुपट्टे का विड्थ मैंने बड़ा किया है। ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस दोनों साइड पे एक डिज़ाइन हो गया है। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक के बारे में। इसका जो ड्रॉबैक है ये है कि इस पर आपको दिख रहा होगा ये छोटा छोटा सा बबल। रेयॉन फैब्रिक पे आई थिंक जो प्योर रेयॉन नहीं होता है उस पर इस तरह के बबल्स आ जाते हैं। तो कुछ वॉश के बाद इस पर ये बबल्स आ गए थे जो कि अब मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो कुल मिलाकर ये 700 to 800 के रेंज का सूट है, तो उसे में मुझे लगता है कि ठीक है। 5-6 वॉश के बाद ये इस तरह का हुआ है। पर अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो ये मैंने बता दिया कि इस पर इस तरह के बबल्स आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बबल्स आ जाते हैं। देखते हैं तो ये था मेरा कुछ सूट कलेक्शन जो कि था रेडीमेड सूट कलेक्शन कॉटन गर्मियों के लिए। और दूसरा कि अफोर्डेबल है ये सब सूट, तो इन सबको चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने ब्रांड भी सबका बता दिया है, सबका जो साइट है वो भी बता दिया है। ये मुझे मिला था, ये ब्लू वाला भी मैंने मिंत्रा से ही लिया था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी। बाय बाय। अगर आपको जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अगर आपको इससे हेल्प मिले, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।